गाइज वेलकम टू अनदर डे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। इस वक्त मैं बॉयलर के टॉप एलिवेशन पर हूँ। गाइज ये बॉयलर के लेफ्ट साइड की तरफ का व्यू है बॉयलर के टॉप एलिवेशन से, देख लो। यही कन्वेयर लाइन आई है यूनिट नंबर 1 में और यहीं से कोयला आता है यूनिट नंबर 1 की तरफ। और ये देखो, ये नीले कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है CRF बिल्डिंग, रिहन NTPC पावर प्लांट की, यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये। और ये देखो सामने आप हाई टेंशन टावर देख रहे हो, उसमें हाई टेंशन वायर लगी हुई है और यही सारी हाई टेंशन वायर और हाई टेंशन टावर के थ्रू सारी इलेक्ट्रिसिटी एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होती है। और ये है बॉयलर का फ्रंट साइड एरिया, इस तरफ में पूरा का पूरा स्विच यार्ड है ये जो आप देख रहे हो, ये नीले कलर की CRA बिल्डिंग जो अभी आपने देखी थोड़ी देर पहले, और ये स्विच यार्ड का पूरा एरिया। देख रहे हो आप, जहाँ तक देखोगे आपको सिर्फ पूरा का पूरा स्विच यार्ड ही दिखाई देगा, इस एंड से लेकर पूरा उस एंड तक, मतलब कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक। अब देखो उस तरफ में ये चिमनी और चिमनी से कनेक्टेड डक्ट, ये एक इस तरफ में और दूसरा इस तरफ में, ये यूनिट नंबर 1 का डक्ट है और ये यूनिट नंबर 2 का डक्ट है। इसी डक्ट के थ्रू फ्लू गैसेज निकलती हैं और ये चिमनी के थ्रू ऊपर जाती हैं, देख रहे हो। और यही डक्ट कनेक्ट है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से यूनिट नंबर 1 का, और ये यूनिट नंबर 2 का डक्ट कनेक्ट है यूनिट नंबर 2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के टॉप एलिवेशन का व्यू है, आप देख लो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सारे ERM मोटर हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक वहाँ पर, और इसका ट्रांसफार्मर भी लगा है। ये जो आप बीच वाली लाइन देख रहे हो ना रूफ, इसके नीचे आप यहाँ देखो, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, देख रहे हो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो मैंने आपको बताया है NTPC ऊंचा हर वाली सीरीज में, और छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने आपको डिटेल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में। बहुत जल्द आप लोगों को फिर से एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप क्या जानना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो ताकि मैं उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। बहुत जल्द मैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जाने वाला हूं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ESP के बारे में। 500 मेगावाट का बॉयलर है और अप्रोक्स 5-6 महीने का प्रोजेक्ट वर्क है, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ESP से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी जानना हो ESP के बारे में तो आप कमेंट मेंशन करो ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियो बना सकूं। सामने की तरफ देखो, वो गुड्स ट्रेन का यार्ड बना हुआ है, एक इधर में और दूसरा इधर में, वहाँ पर सारी ट्रेनें खड़ी होती हैं जो गुड्स ट्रेन होती है जिसमें कोयला आता है और उस कोयले को डंप किया जाता है। और मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखो वो सामने की तरफ देख रहे हो, कोयले के ऊपर पानी डाला जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज कोयले में आग लगने के चांसेस होते हैं। तो एक यहाँ पर देखो और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा अलग आना पड़ेगा मुझे इस तरफ में, सॉरी गाइस, चिमनी की वजह से वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको बिकॉज वो बिल्कुल चिमनी के सामने में है। ये सामने आप देख रहे हो ना, पानी डाला जा रहा है कोयले के ऊपर, सेम ऐसा ही चिमनी के सामने में भी दो जगह पे ऐसा किया जा रहा था, पर मैं आपको दिखा नहीं सका बिकॉज सामने चिमनी है। गाइस ये जो आप सामने देख रहे हो ये है यूनिट नंबर 3 की ESP जिसके ऊपर केनोपी लगाई गई है, मतलब कि रूफ। इस तरह की केनोपी आपको यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 की ESP में देखने को नहीं मिलेगी। आप देख लो ये पूरा का पूरा ओपन है, इसका टॉप एलिवेशन, ये यूनिट नंबर 1 की ESP और ये यूनिट नंबर 2 की ESP। थोड़ा डिफरेंस तो आपको मिलेगा बिकॉज ये यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 ये NEI मॉडल बॉयलर है और यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 BHEL मॉडल बॉयलर है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है यूनिट नंबर 2 और उसके आगे की सारी यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 BHEL मॉडल बॉयलर। गाइज अब मैं आपको कूलिंग टावर दिखाता हूँ, NTPC रिहन पावर प्लांट के सारे यूनिट के कूलिंग टावर एक साइड रखे गए हैं, देख लो आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हो वीडियो में, ये सभी कूलिंग टावर हैं यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के, मतलब कि सभी बॉयलर के कूलिंग टावर को एक साइड में रखा गया है। NTPC रिहन पावर प्लांट के ये जितने भी कूलिंग टावर देख रहे हो ये सारे बॉयलर के कूलिंग टावर हैं, ये सभी कूलिंग टावर को एक साइड में रखा गया है। और बाकी पावर प्लांट में आप देखोगे तो सारे पावर प्लांट के आसपास में कूलिंग टावर होते हैं पर इसे एक तरफ रखा गया है। लास्ट वाली चिमनी यूनिट नंबर 5 एंड 6 की, ये बीच वाली यूनिट नंबर 3 एंड 4 की, और ये जो देख रहे हो ये है यूनिट नंबर 1 एंड 2 की चिमनी। मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया, ये सामने की तरफ आप देखो वहाँ से पानी आता है NTPC रिहन पावर प्लांट के रिजर्वायर सिस्टम में। सामने आप देख रहे हो चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा, वहीं से पानी आता है NTPC पावर प्लांट के रिजर्वायर सिस्टम में, मतलब कि रिहन सुपर थर्मल पावर प्लांट में। ये जस्ट CHP के पास में है, CHP से थोड़ा आगे जाने के बाद पूरा का पूरा वो जो देख रहे हो आप
चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा आपको। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरह से कोयला CHP से बॉयलर तक पहुंचता है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये सारी कन्वेयर लाइन है, इसी कन्वेयर लाइन के थ्रू कोयला बॉयलर तक आता है। मान लो जैसे ये यूनिट नंबर 1 की कन्वेयर लाइन है, तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कोयला कन्वेयर लाइन कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इस लाइन से बॉयलर तक आता है, ये लेफ्ट साइड का एरिया हो गया, बंकर तक पहुँचता है। और ठीक ऐसे ही एक नीचे से जो लाइन गई है राइट साइड की तरफ, वो राइट साइड की तरफ आता है और बंकर के जस्ट नीचे मिल लगी होती है। बंकर से कोयला मिल तक आता है और मिल में कोयले को क्रश किया जाता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, पल्वराइज्ड कोल बोलते हैं उसे, माइक्रोन की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और वही कोयला PFN के थ्रू बॉयलर तक पहुंचता है बर्नर के चारों साइड, मतलब कि जो बॉयलर का फर्नेस एरिया होता है जिसे वाटर वाल्व बोलते हैं, जिसे हम लोग कंबशन चैम्बर बोलते हैं, तो वहां तक कोयला पहुंचता है पाउडर की फॉर्म में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है CHP से कैसे कोयला कन्वेयर लाइन से होते हुए बंकर और बंकर से मिल, मिल से उसके बाद बॉयलर तक पहुंचता है। जिस PFN के बारे में मैंने आपको बताया ना, वही PFN का काम होता है उस पल्वराइज्ड कोल की नमी को कम करना और फिर उसके बाद उसी कोयले को बॉयलर तक पहुंचाना, ये काम होता है PFN का। इस वक्त मैं यूनिट नंबर 1 की टॉप एलिवेशन पर हूँ, मतलब कि 75 मीटर की हाइट पर, बॉयलर का 75 मीटर। और ये जो CHP डिपार्टमेंट है ये यूनिट नंबर 1 के बिल्कुल सामने है, इसलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही होंगी यहाँ से। अब आप समझ लो कि सारा कोयला जो पहुँचता है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कुछ यहीं से जाता है, ये यूनिट नंबर 1 के पास में है, इसलिए सारी चीज़ें इजीली आसानी से पहुँच जाती हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ या फिर ये यूनिट नंबर 2 की तरफ। पर यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 वो उस तरफ में बिल्कुल एंड में, वहाँ तक कोयला यहीं से पहुँचता है, ये CHP डिपार्टमेंट से ही कोयला उधर जाता है कन्वेयर लाइन के थ्रू। ये सारी कन्वेयर लाइन है अलग अलग बॉयलर के लिए, ये यूनिट नंबर 1 के लिए, ये यूनिट नंबर 2 के लिए, और फिर एक सीधी लाइन निकलती है उधर आगे 3, 4, 5, 6 के लिए, सॉरी ये यूनिट नंबर 3 एंड 4 के लिए, और वो जो एक लाइन देख रहे हो वो 4, 5, 6 के लिए ऐसे आगे निकलती है। तो ये सारी कन्वेयर लाइन है, आप देख लो यहाँ से, देख के कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सी कन्वेयर लाइन किस बॉयलर में जा रही है, पर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह का कन्वेयर लाइन का पूरा रूट होता है, कैसे कन्वेयर लाइन निकलती है CHP डिपार्टमेंट से। ये देखो गाइज, ये यूनिट नंबर 2 का बंकर है लेफ्ट साइड का, फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन निकलती है कन्वेयर की, वो यूनिट नंबर 2 के राइट साइड की तरफ जाती है, बंकर से कनेक्ट होती है, और इसके जस्ट इधर में यूनिट नंबर 1 का बंकर है राइट साइड का। तो ये सारे बंकर हैं और इसी बंकर के नीचे में मिल होती है बॉयलर की, और उसी मिल में कोयला पहुंचता है, ये कन्वेयर लाइन से बंकर तक, बंकर के नीचे मिल, उस मिल से बॉयलर तक। ये है बॉयलर, जिसे हम लोग बॉयलर बोलते हैं। अगर आपने कहीं सुना होगा कि पावर प्लांट में बॉयलर कैसा होता है, तो ये देख लो, ये पूरा का पूरा बॉयलर है। ये है यूनिट नंबर 2 का बॉयलर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है थर्मल पावर प्लांट का, ये बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा आपको कंपेयर टू गैस पावर प्लांट। ये देख रहो ना, मैंने बताया था ना आपको कि यूनिट नंबर 1 एंड 2 की लाइन सेम है कन्वेयर वाली, वहाँ पर जाके उसका एंड हो जाता है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 और 4 की लाइन अलग से निकली हुई है कन्वेयर की लाइन नीले कलर की, बिकॉज वो यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 BHL मॉडल बॉयलर है, इसलिए नीले कलर में है। और ये जो रेड कलर में बॉयलर देख रहे हो ये NEI मॉडल बॉयलर है यूनिट नंबर 1 एंड 2। सो गाइज, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देखो गाइज, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ था और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, मतलब कि बॉयलर के मिडिल एलिवेशन पर। यह है बंकर लेफ्ट साइड की तरफ का, और इस तरफ में ये CRF बिल्डिंग।